अगर हम रेसिपीज की तरफ देखते हैं तो कुछ रेसिपीज का नाम उनके स्पाइसेस की वजह से पड़ा है, कुछ रेसिपीज का नाम उनके इंग्रेडिएंट्स की वजह से पड़ा है, बट कभी आपने सुना है कि एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम उनके शेफ की वजह से, उनके इन्वेंटर की वजह से पड़ा है, जैसे कि लखनवी टुंडे कबाब। अब सोचिए कि क्या होगी स्टोरी। अब वो जो स्टोरी है और रेसिपी है बहुत ही लाजवाब है, तो वो स्टोरी एंड रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल की हालचाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं लखनवी टुंडे कबाब। अब आपको पता है हम हैं उत्तर प्रदेश टूर पे विद सलोनी मस्टर्ड ऑयल, सेहत भी एंड स्वाद भी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के टूर पे हैं तो लखनऊ ना कवर करें तो हो ही नहीं सकता, एंड लखनऊ में अगर हम टुंडे के कबाब ना कवर करें तो ये भी नहीं हो सकता। आज हम बनाने जा रहे हैं टुंडे कबाब, वो भी घर पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मसाला जो कबाब का मसाला होता है, तो उसके लिए पैन गरम और उसमें नॉर्मल खड़े मसाले जाएंगे। सबसे पहले जीरा, जीरे के साथ धनिया, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची एंड लौंग, काली मिर्च, सौंफ। अब ये तो वो स्पाइसेस हो गए जो नॉर्मली घर पे मिल जाते हैं। अगर उस्ताद हाजी मुराद अली जी यही स्पाइसेस के साथ चलते तो वो नवाब का दिल नहीं जीत पाते, इसीलिए उन्होंने थोड़े से और स्पाइसेस लिए, जिनको ढूंढने के लिए आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, पंसारी की दुकान तक जाना पड़ेगा, वो आपको ये स्पाइसेस दे देंगे। तो इसीलिए उनका भी मैं बता देता हूं क्या क्या स्पाइसेस हैं। जावित्री, पीपली, चक्री फूल एंड शाही जीरा। अब देखिए, पीपली आपने सिर्फ एक ही डालनी है, इसका ना बहुत लिंगरिंग फ्लेवर होता है, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्लेवर होता है, इसीलिए सिर्फ आपने एक डालनी है, बट डालनी बहुत जरूरी है। और एक और ऐसा स्पाइस है जो बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है, इनफैक्ट लखनवी या महाराष्ट्रन क्यूजीन में इसका बहुत यूज है, दैट इज दगड़ फूल। दगड़ फूल ना एक पेड़ की छाल होती है और इसको स्टोन फ्लावर भी बोला जाता है, ये जाना बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा भी कुछ स्पाइसेस जाते हैं, जैसे खस की जड़, गुलाब की जड़, बट वो यूजुअली मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको ढूंढना, इसीलिए मैं वो नहीं डालूंगा, मैं आपको वो रेसिपी दूंगा जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, इसीलिए मैं और स्पाइसेस नहीं डाला। बस एक चीज जो मैं डालूंगा, दैट इज गुलाब की पत्तियां। अगर आपको सूखी गुलाब की पत्तियां मिल जाती है ना तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं मिलती तो उनको ऐसे सुखा लीजिए मसालों के साथ और फिर पीस लेंगे। अब इनको ना बिल्कुल स्लो आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। अब जब तक स्पाइसेस रोस्ट हो रहे हैं, हम कबाब की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कबाब की ना हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है। अब एक नवाब थे असफुद्दौला जी, उनके उम्र के साथ सारे दांत चले गए थे। अब उस केस में उनको कबाब का जो शौक था वो नहीं जा रहा था, तो कबाब उस टाइम पे होते थे थोड़े चूई थोड़े सख्त। उन्होंने कंपटीशन रखवा दिया कि भाई हमारे लिए जो कबाब बना के लाएगा, जो हमें पसंद आएंगे उनके लिए एक तोहफा। तो कंपटीशन में बहुत सारे खानसामे आए, बट एक खानसामा जो उनका दिल जीत गया, वो बचपन में अपना एक हाथ खो चुका था, उनको सब टुंडे टुंडे बोलते थे। तो उन्होंने जो कबाब बनाए वो थे बहुत ही मखमली, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर के, उस कबाब को बोलने लग गए टुंडे कबाब, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेफ। अब टुंडे कबाब पड़ा है नाम शेफ की वजह से, और जो शेफ थे उनका नाम था उस्ताद हाजी मुराद अली जी, तो उनको याद करते हुए हम बनाते हैं टुंडे कबाब। अब हमने कबाब मसाला बना लिया है, अब मटन मैरिनेट करने का टाइम है, तो उसके लिए मटन में रॉ पपाया पेस्ट, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैश्यू नट पेस्ट, ब्राउन अनियन पेस्ट, सॉल्ट। अब जब भी रॉ पपाया पेस्ट बनाए
रॉ पपाया को उसके छिलके के साथ ही पीसें, क्योंकि रॉ पपाया में एक एंजाइम होता है पपाइन, वो हेल्प करता है मीट के प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। आपका मीट टेंडराइज हो जाता है उससे, और जो एंजाइम है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है छिलके के साथ। इसीलिए रॉ पपाया को ना ही छीले और छिलके के साथ ही पीस ले। अब इन सब को मधा जाएगा। अब अगर परफेक्ट वाले टुंडे कबाब बनाने हैं तो उसके लिए मटन को अच्छी तरह मधना है। 15-20 मिनट की मेहनत जरूर चाहिए इस पे, और मधने के बाद ना इसको कम से कम 2 से 2.5 घंटे रेस्ट करने दें, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है रॉ पपाया पेस्ट। अब रॉ पपाया पेस्ट मटन के प्रोटीन पे एक्ट करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा, उसको टेंडराइज करेगा, इसीलिए इसको मैरिनेट होने दे कम से कम 2 से 2.5 घंटे। अब मैंने मटन को 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ रखा था। अब इसमें डालेंगे ये प्रिपेयर्ड मसाला। इसमें थोड़ी लाल मिर्च एंड थोड़ा घी। अब इसको दोबारा से एक बारी मध लेंगे। अब यूजुअली कोई और कबाब होगा उसको आप शेप कर सकते हैं और उसके बाद पैन फ्राई कर सकते हैं, बट इस कबाब के केस में आप पहले शेप नहीं कर सकते, सीधा पैन फ्राइंग के टाइम पे ही आपको शेप करना पड़ेगा। तो अब पैन फ्राइंग के लिए सलोनी मस्टर्ड ऑयल, सेहत भी स्वाद भी, जो बनता है अपनी ही फैक्ट्री में। अब अपने कबाब शेप कर लेंगे, तो कबाब शेप करने के लिए थोड़ा सा कबाब का मिक्स, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, लखनवी टुंडे कबाब की स्टोरी प्लस रेसिपी आपके पास है। अगर स्टोरी अमेजिंग लगी है फिर तो ट्राई करना बनता है, और अगर स्टोरी अमेजिंग नहीं लगी बट रेसिपी अमेजिंग लगी है फिर तो ट्राई करना जरूर बनता है। और जब भी ट्राई करें इंस्टाग्राम पे फोटो हमें चेक करना भूलना नहीं है। वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।